अस्सलाम वालेकुम, जेके न्यूज में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। जुराइम के सदेबाब में किसी सुस्ती और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती इंतजामिया मिशनरी जज्बे से खिदमत खल्क को अपना शार बनाए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की हदायत। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आजाद कश्मीर में गैर रियासती मुदाखलत रोकने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन सरों पर कफन बांधकर निकलें। पाकिस्तान की सियासी जमातों के बगल बच्चे लाड़काना और रायमंड की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी इज्जत नफ्स भी गिरवी रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर इंटेलेक्चुअल फोरम के जेर एहतमाम मीरपुर आजाद कश्मीर में इंट्रा जम्मू कश्मीर डायलॉग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदगान दानश्वरों माहरीन कानून और सहाफियों की शिरकत। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आजाद खित्ते से बेरोजगारी के खात्मे के लिए नौजवानों को बिलासूद कर्जे फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के शैडो मिनिस्टर व मेंबर असेंबली बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि आजाद कश्मीर में इंतकामी कार्रवाइयां और मुलाजमीन के जबरी तबादले खत्म न किए गए तो आजाद कश्मीर भर में आवाम को सड़कों पर लाएंगे। आजाद कश्मीर के वजीर इत्तला'आत सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने हमेशा जमहूरियत और आवाम की खातिर जानों का नजराना पेश किया। अवाम के हुकूक की हिफाजत पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह रही है। आजाद कश्मीर के जिला नीलम में मुसाफिर जीप केल के मकाम पर दरियाए नीलम में गिरने से 8 अफराद डूब कर जां बहक। 5 मुसाफिरों को जख्मी हालत में दरियाए नीलम से जिंदा निकाल लिया गया जबकि दीगर 8 मुसाफिरों की तलाश ताहाल जारी है। चेयरमैन कश्मीर सेंटर ब्रसल्स अब्दुल मजीद त्रंबो ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से शेडो रिपोर्ट के जरिए मुतालबा किया है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के मुजालम का सख्ती से नोटिस लिया जाए। ब्रसल्स में जेके न्यूज से खुसूसी बातचीत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने रियासती इंतजामिया को हदायत की है कि वो मिशनरी जज्बे से खिदमत खल्क को अपना शार बनाए। जुराइम के सदेबाब में किसी सुस्ती और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग सिस्टम को मुअस्सर बनाएं। चौधरी अब्दुल मजीद ने एक आला सतही इजलास से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऐवान इक्तदार के दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले हैं। अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले खत्म कर दिए हैं। आजाद कश्मीर में अवामी राज कायम कर दिया गया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत आजाद कश्मीर रियासती इंतजामी मशीनरी को तमाम सहूलियात फराहम करेगी ताकि आजाद कश्मीर के अवाम को फौरी रिलीफ मिल सके और उनके जुमला मसाइल हल हो सकें। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि खिदमत खल्क हमारी सियासत का महवरो मरकज है और यही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। अवाम ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं उन्हें पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत को 18 करोड़ अवाम का मैंडेट हासिल है। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को जमहूरियत डीरेल नहीं करने देंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि नवाज शरीफ अगले साल इंतहाबी मैदान में पीपल्स पार्टी के मुकाबले की तैयारी करें। आइंदा इंतहाबात में शिकस्त फिर नवाज शरीफ का मुकद्दर बनेगी। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आजाद कश्मीर में गैर रियासती मुदाखलत रोकने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन सरों पर कफन बांधकर निकलें। पाकिस्तान की सियासी जमातों के बगल बच्चे लाड़काना और रायवंड की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी इज्जत नफ्स भी गिरवी रख चुके हैं।
सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि कोटली का कन्वेंशन कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को मेहनत करना होगी। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में गैर रियासी जमातों की मुदाखलत रोकने और आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोशिशों को नाकाम बनाने और मसले कश्मीर को तहलील होने से बचाने के लिए सरों पर कफन बांध कर मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि गैर रियासी जमातों की मुदाखलत ने तहरीक आजादी के बेस कैंप को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी कारकुनों की जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका है, इसलिए हमें अपनी आजादी, खुदमुख्तारी और रियासती कौमी तशख्खुस को कायम रखने के लिए एक नए सफर का आगाज करना है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के बगल बच्चे रायवेंड और लाड़काना की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी इज्जत नफ्स को भी गिरवी रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर इंटेलेक्चुअल फोरम के जेर एहतमाम मीरपुर आजाद कश्मीर में इंट्रा जम्मू कश्मीर डायलॉग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदगान, दानश्वरों, माहिरीन कानून और सहाफियों की शिरकत। इंट्रा कश्मीर डायलॉग के सिलसिला में मीरपुर में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए मकबूदा कश्मीर से दौरा मीरपुर पर आने वाले मुमताज सीनियर कश्मीरी सहाफी वेद बसेन ने कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को सब तस्लीम करते हैं, लेकिन जब तक पाक भारत मुदाकरात में कश्मीरियों को शामिल नहीं किया जाता, मुदाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते। तकरीब से सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक, मुमताज कश्मीरी लीडर कृष्ण देव सेठी, सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सरदार खालिद इब्राहिम खान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर, अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी, जनरल सेक्रेटरी मीरपुर बार सैयद फैजान हैदर एडवोकेट, डॉक्टर शाहीन अख्तर, सदर जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाफिज मोहम्मद मकसूद, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सैयद शौकत शाह, सदर PNP राजा जुल्फकार अहमद, चेयरमैन अपना आरिफ शाहिद, चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान नेशनल अलायंस अनायतुल्ला शमाली, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स हमायूं जमान मिर्जा, सीनियर साहब अल्ताफ हमीद राव, मजीद मलिक, नासिर सईद अंसारी, चौधरी खालिद रशीद एडवोकेट ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय मीडिया तहरीक आजादी कश्मीर को मनफी अंदाज में पेश करता है। रियासत जम्मू कश्मीर की दोनों अतराफ का मीडिया अपना किरदार अदा करे। बान की मून का वादी के मुतल्लिक बयान कश्मीरी अवाम के लिए हौसला मंद है। पाकिस्तान और भारत की अफवाज की जम्मू कश्मीर में मौजूदगी मसला कश्मीर के हल में बड़ी रुकावट है। दोनों ममालक की अफवाज का बयक वक्त इनखला होना चाहिए। मुदाकरात पाकिस्तान और भारत में हो रहे हैं और कश्मीरी कौम की इन मुदाकरात में कोई नुमाइंदगी और आवाज शामिल नहीं है, जिससे तकसीम कश्मीर के इशारे मिल रहे हैं। मुकर्रीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो भी चाहते हैं वो कबूल किया जाना चाहिए, चाहे वो इल्हाक हो या आजाद मुल्क का कयाम। कश्मीरियों को मसला कश्मीर का ऐसा कोई भी हल कबूल नहीं जो उनकी मर्जी और इख्तियार के खिलाफ हो। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आजाद खित्ते से बेरोजगारी के खात्मे के लिए नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम करेंगे। चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आजाद कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के लिए जामे मंसूबाबंदी के तहत इकदामात उठा रही है। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में सनती तरक्की के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के हसूल के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अवाम की अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि आजाद कश्मीर के तमाम इजला में हुकूमत आजाद कश्मीर ऐसे मंसूबे शुरू कर रही है कि जिनसे बेरोजगारी खत्म करने के लिए हुकूमत के इकदामात से मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के मेंबर असेंबली बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि आजाद कश्मीर में इंतकामी कार्रवाइयां और मुलाजमीन के जबरी तबादले खत्म न किए गए तो आजाद कश्मीर भर में आवाम को सड़कों पर लाएंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सियासी मुखालफीन और सरकारी मुलाजमीन को एक तयशुदा मंसूबे के तहत इंतकाम का निशाना बना रही है। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने अपनी रविश तब्दील न की तो आजाद कश्मीर भर में अवाम सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फराबाद से भी सरकारी
सरकारी मुलाजमीन को जिला बदर करके अपने मनपसंद जालों को तैनात किया जा रहा है। बैरिस्टर सैयद इफ्तार गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी का दौर दौरा है और दोनों हुकूमतें हर दिन को आखिरी दिन समझ कर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के वसाइल को लूट रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी हकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए पूरी कुव्वत के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के गैर आईनी इकदामात के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। आजाद कश्मीर के वजीर इत्तला'आत सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने हमेशा जमहूरियत और अवाम की खातिर जानों का नजराना पेश किया है। अवाम के हुकूक की हिफाजत पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह रही है। सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि हमारी जमात ने कारकुनों की इज्जत नफ्स का हमेशा ख्याल रखा है। पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी आजाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वजीर इतलात ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत खित्ता में तामीर और तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट अवाम दोस्त बजट होगा। बजट में अवामी मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। आजाद कश्मीर के आने वाले बजट में शोबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 8 माह के कलील अरसा में गुज़श्ता अदवार से ज्यादा तामीर तरक्की के काम हुए हैं। चेयरमैन कश्मीर सेंटर ब्रसल्स अब्दुल मजीद त्रंबो ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से शेडो रिपोर्ट के जरिए यह मुतालबा किया है कि कश्मीर में हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए। ब्रसल्स में जेके न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु। त्रंबो साहब, आप ये बताएं कि ह्यूमन राइट काउंसिल में शेडो रिपोर्ट पेश करना इस वक्त क्यों जरूरी समझा गया? नेक्स्ट वीक यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कंट्रीज़ को होता है वो शुरू होने वाला है और एक मुल्क जो उसमें शामिल है इस दफ़ा यूपीआर में वो हिंदुस्तान है। भारत अब रिव्यू के लिए आ रहा है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हमें फौरी तौर पर एक शैडो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, जिसमें हमने इन बातों को बिल्कुल सामने लाया है और खुलकर इजहार किया है कि हिंदुस्तान जो बर्बरियत का मुजाहरा मकबूजा कश्मीर में कर रहा है उसकी नोटिस ली जाए। ख़ास तौर पर जो उन्होंने उधर काले कवानीन लगाए हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हवाले से या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के हवाले से, उन कानून जो ये काले कवानीन हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। और जो हमारा एक दीरीना मसला बन गया है वो है इज्तिमाई कब्रों का, मैस ग्रेव्स का और नेमलेस ग्रेव्स का, जो उधर दरियाफ्त हुई है पिछले 6 साल से और यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इस पर इसरार किया था भारतीय हुकूमत पर कि एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी चाहिए जो अभी तक हुई नहीं। और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैंडेट जो है वर्किंग ग्रुप ऑन डिसअपीयरेंस, उन्होंने भी हिंदुस्तान पर ये दबाव डाला था कि वो ये फौरी तौर पर ये कार्रवाई शुरू करे। चूंकि उन्होंने ये सब कुछ किया नहीं, इसलिए हमने इस रिपोर्ट के जरिए ये बावर करने की कोशिश की है कि ये रिकमेंडेशन की जाए, ये सिफारिश की जाए कि फौरी तौर पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो भारत पर इसरार करे कि वो एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन जो है इज्तिमाई कब्रों पर करे। इसके अलावा जो बाकी मामलात जो मकबूजा कश्मीर में हो रहे, चाहे वो सियासी कैदियों के हवाले से है, चाहे वो टॉर्चर के हवाले से है, चाहे वो हमारी जो हवातीन हैं उनके साथ जातियां हो रही है उसके हवाले से, ये सब इश्यूज हमने रेज किए हैं और हम इस वक्त एक कैंपेन में लगे हैं और उस कैंपेन का मकसद यही है, लॉबिंग का यही मकसद है कि जितने मुल्कों के साथ हम बात कर सकें और जितने मुल्कों को हम ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो क्वेश्चंस पुट अप करें, वो रिकमेंडेशंस पुट अप करें, और ताकि जो ये 24 मई को होने वाला इजलास है इसमें जितना भी भारत पर दबाव डाला जाए, जितने भी भारत के खिलाफ इस मामले में ह्यूमन राइट्स के मामले में सिफारिशात सामने पेश आ जाए वो कश्मीरियों के लिए भी अच्छा है और कश्मीर में हालात को बेहतर करने के लिए ये मुफीद रहेगा।
आजाद कश्मीर के जिला नीलम में मुसाफिर जीप केल फुलवाई के मकाम पर दरियाए नीलम में गिरने से 8 अफराद डूबकर जान बहाग। 5 मुसाफरों को जख्मी हालत में दरियाए नीलम से जिंदा निकाल लिया गया, जबकि दीगर 8 मुसाफरों की तलाश ताहाल जारी है। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर जीप में सवार अफराद 2 मरीजों को केल अस्पताल ला रहे थे कि फुलावाई के मुकाम पर गाड़ी मुमकिना तौर पर ओवरलोडिंग की वजह से सड़क से फिसल कर दरियाए नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजा में 8 अफराद मौका पर दरियाए नीलम में डूबकर जान बहक हो गए और 5 मुसाफरों को जख्मी हालत में दरियाए नीलम से जिंदा निकाल लिया गया, जबकि दीगर 8 मुसाफरों की तलाश ताहाल जारी है। हादसे के बाद पाक फौज ने मुकामी अफराद की मदद से 8 मुसाफरों की लाशें जबकि 5 अफराद को जख्मी हालत में दरिया से निकाल लिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक गाड़ी पर 20 से ज़ायद अफराद सवार थे, जिनमें से 5 को जिंदा हालत में जबकि 8 की लाशें रिकवर कर ली गईं, जबकि 8 अफराद की तलाश अब भी जारी है। ताहम सरकारी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में 13 अफराद ही सवार थे और अब कोई फर्द लापता नहीं है। मरने वालों में मुसाफिर जीप का ड्राइवर मोहम्मद हुसैन वल्द शाहवली, मीर फतेह अली वल्द शाहवली, मीर आलम वल्द नूर आलम, रख्ताज बीबी नूर आलम, जमानवल नूर मोहम्मद शामिल हैं, जबकि 3 अफराद की शिनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी। KIRF बरतानिया के जेरे एहतमाम कम्युनिटी अस्पताल जातला में कश्मीर के लिए 100 मुस्कुराहटों का तोहफा। देखते हैं जुनेद अंसारी की खसूसी रिपोर्ट। KIRF बरतानिया ने अशफाक अहमद की जेर क्यादत सर्जन्स की एक आला क्वालिफाइड टीम मीरपुर आजाद कश्मीर के नवाही इलाके जातला में कायम कम्युनिटी अस्पताल भेजी है। प्लास्टिक सर्जरी के दुनिया के चंद बड़े नामों में से एक सर्जन डॉक्टर चार्ल्स वीवा इस टीम की क्यादत कर रहे हैं। बरतानिया से डॉक्टर महविश, डॉक्टर थाम्स, डॉक्टर डेविड वीवा, डॉक्टर गालिब, मिस शायमा महमूद, मिस लुइस सोल्जर, मिस मार्जरी वीकली, डॉक्टर डेविड फे, डॉक्टर रोड्रिगो, रावलपिंडी से प्रोफेसर हामिद हसन, जबकि कराची से डॉक्टर अरसलान रफत और डॉक्टर सना इस टीम में शामिल हुए। कश्मीर के लिए 100 मुस्कुराहटों के तोहफे के उन्वान के साथ कटे होंठों और तालू के ऑपरेशंस के साथ साथ करोड़ों रुपए मालियत के ऑपरेशंस और तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मीरपुर से ENT सर्जन्स डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी और डॉक्टर फैसल बशीर भी इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। बरतानिया से आने वाले डॉक्टर्स ने JK न्यूज से गुफ्तगु करते हुए बताया कि friends from the humanitarian mission, and we was quite safe, and I never felt any insecure surprise to come here, first of all, because when you see it in the news, it's quite an unstable country, and I was going out as well with some other friends I just met here. I would say friends, yeah. Sad feeling is that we have had far too many patients, and we will not be able to get through all the patients who have requested our help, but inshallah we will probably come back again, and then we'll be able to continue to do the work. It's absolutely amazing. It was amazing then, and every time I've came back it's been just as amazing, just to watch Dr. Viva work in itself. We get treated very well here, to see the patients and their reaction, everything's just fantastic. It's an absolutely wonderful thing to behold. It's a wonderful thing to see, so yeah. That's the sole purpose of the trip, you know, that there is no discrimination, so those people who can't afford the treatment do get the treatment. So that's the whole point of coming, is that there is no discrimination, that everyone can get the service they need. They're doing an absolutely brilliant job, and I feel really quite blessed to be able to take part in this, because they're a lovely team to work with and they're doing a great thing. I'm very pleased to be able to help children like this that suffer such cleft lips and palates. And it's an honor for me being here. It's a great honor being here in this country and with Dr. Viva. KIRF Community Hospital Jatla mein Dr. Charles Viva aur deegar Bartanvi doctors ki team khidmat-e-insaniyat ke liye jo kaam kar rahi hai wo laiq-e-taqleed o tehseen hai. Aaiye khidmat-e-insaniyat ke is kaam mein apna apna hissa daliye. Cameraman Kamran Chaudhary ke saath Junaid Ansari, JK News, Mirpur Azad Kashmir. कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद की तरफ से कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत। कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक के वालिद
गुलाम कादिर मलिक की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मंगल के रोज ब्रसल्स से ताजीती बयान में अली रजा सैयद ने कहा है कि अल्लाह मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। हम मरहूम के खानदान खुसूसन यासीन मलिक के गम में बराबर के शरीक हैं। गुलाम कादिर मलिक पीर के रोज दिल के आर्जा की वजह से श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप ने अपने बयान में मजीद कहा कि अल्लाह ताला यासीन मलिक को ये गम बर्दाश्त करने का हौसला दे। गुलाम कादिर मलिक साहब की वफात जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी फैमिली के लिए, यासीन मलिक साहब के लिए और सब फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, और आज कश्मीरी कौम उनके सदमे में उनके बराबर के शरीक हैं। और कश्मीर काउंसिल ईयू ब्रसल्स में हमारा इजलास भी हुआ और हमने उनके लिए फातिहा ख्वानी भी की है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी फैमिली को, यासीन मलिक साहब को और बाकी जो उनके लवाहिकीन हैं सबको सब्र जमील अता करे। और ये एक ऐसा रिश्ता है, माँ बाप का ऐसा रिश्ता है, बेलोस रिश्ता जो है, ये इसका खो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है उनकी फैमिली के लिए और सब के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस दुख में वो हैं हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। माजी में सरबराह हुकूमत से लेकर वुजरा तक ज़कात के मुनाफे से अपना इलाज करवाते रहे, खुदारा अब ये ज्यादती बंद करें। चेयरमैन ज़कात कमेटी मीरपुर गुलाम रसूल अवामी की बरतानिया में जेके न्यूज के नुमाइंदे अरशद रचाल से खुसूसी गुफ्तगू। ज़कात जो मुस्तहिकीन को उस तरह नहीं मिलती जिस तरह के गैर मुस्तहिक लोग जो है, या बड़े लोग जो है, या वजीर जो है, या प्रेजिडेंट जो है, वो जो है अपने इलाज के लिए वहां से जो है वो पैसे ले लेते हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदा का खौफ करें, आपकी इतनी बड़ी हैसियत होते हुए भी आप ज़कात के पैसे से अपना इलाज कराते हैं, आपको खुदा का खौफ होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैंने देखा है सारा, क्या हमारा प्रेसिडेंट और हमारे सबका मिनिस्टर और बड़े बड़े जो बड़े मालदार लोग हैं उन्होंने भी ज़कात के मुनाफे से जो है वो अपना इलाज के लिए यहाँ जो है आए हैं। अब भी जो है कुछ लोग जो है वो इस तरह की जो है वो कोशिश करते हैं कि जी का हमारा इलाज जो है बैरून मुल्क हो और हुकूमत जो है वो हमें सपोर्ट करे, और हुकूमत देती वहाँ से है, हमारे ही जो है ज़कात फंड पैसा जमा है उसके प्रॉफिट से उनको पैसे देती है। तो चले जाए कि उन लोगों को जो है जो ज़कात की जो उनको 6 महीने का 1,000 रुपया मिलता है उनकी जो है वो उनमें इजाफा करें ताकि इस महंगाई के दौर में वो लोग जो है वो उससे इस्तेफादा हासिल करें। अब ना कि ये लोग गरीब क्या दे रहे हैं, एक कुंबे को ज़कात के लिए क्या दे रहे हैं? ज़कात रचाल भाई, अगर मैं आपको बताऊं, पहले 4 महीने की जो इस घर के 3 फर्द थे उनको जो है वो 900 रुपया मिलता था, अब जो है उन्होंने 100 रुपया बढ़ाया और 6 माह की किस्त कर दी है। हमने नए चेयरमैन को ये कहा कि भाई खुदा के लिए इनके बारे में सोचें, ये 6 महीने में एक बंदे को 1,000 रुपया मिलता है और उसके घर के 3 फर्द हैं तो 200 रुपया भी वो जो है उसका महीने का नहीं बनता। उस पर जो है वो हमने तहरीक की हुई है और इस दफ़ा जो है वो बजट में हमें उम्मीद है पूरी के जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर जरा नजरसानी करें। जेके न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।